गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि जावा में पहला प्रोग्राम कैसे हम लोग लिखते हैं। यह बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जावा एक अलग तरह का एनवायरनमेंट है और जिस एनवायरनमेंट का हम यूज करने जा रहे हैं बेसिकली वह एनवायरनमेंट नोटपैड का होगा और कमांड प्रॉम्प्ट से हम जावा के कंपाइलर को यूज करने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग को करना क्या है कि नोटपैड खोल देना है, ठीक है। नोटपैड में हम गए, एक नया फाइल ओपन होगा। जावा चूंकि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है इसीलिए हम लोग इसके अंदर जितना भी कंटेंट लिखते हैं वह कंटेंट किसी न किसी क्लास के अंदर ही होगा। यह एक बहुत बड़ा फर्क है जावा और सी प्लस प्लस में, इसीलिए जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम बोलते हैं और जावा 100% केस सेंसिटिव है, इसीलिए हम लोग बहुत सोच समझ के ही प्रोग्राम यहाँ लिख सकते हैं। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम से शुरू किया, क्लास P1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। इसके बाद हमने यूज किया है, सभी पे हम लोग आएंगे कि आखिर क्यों आखिर यूज कर रहे हैं, println, और चलिए कुछ नहीं एक यूनिवर्सल जो स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं उसी को यूज करना है, स्टार्ट ऑफ जावा। हमारा पहला एक प्रोग्राम तैयार हो गया जावा में जो कि हमने नोटपैड में लिखा है। यहाँ पे जो जो बात हमने कैपिटल में लिखा है उसको आप समझ लीजिए। इस क्लास का पहला नाम पी हमने कैपिटल में लिखा है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल में लिखा है, सिस्टम का एस कैपिटल में है, स्टार्ट भी कैपिटल में एस और जे भी कैपिटल में है। कहाँ कहाँ ऑप्शनल था उसको पहले हम लोग समझ लें। हम अगर चाहें तो इस पी को छोटा में भी लिख सकते हैं, हम अगर चाहें तो इस स्टार्ट के एस को भी छोटा में लिख सकते हैं, हम अगर चाहें तो इसके जे को भी छोटा में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि इस स्ट्रिंग का एस हम छोटा में लिख दें एरर आएगा, सिस्टम का एस हम छोटा में लिख दें एरर आएगा। क्योंकि होता क्या है कि असल में जावा में जो भी प्रीडिफाइंड क्लासेस दिया हुआ है, जो भी प्रीडिफाइंड क्लासेस दिया हुआ है उसका पहला लेटर कैपिटल में है। यही कारण है कि हम लोग भी अपने क्लास का नाम कैपिटल में देने की कोशिश करेंगे और करना भी चाहिए क्योंकि ये एक परंपरा है। लेकिन फिर से आप जान लीजिए यह कोई रूल नहीं है, अगर हम चाहें तो इस पी को छोटा में भी लिख सकते हैं, कहीं कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि हम पी को कैपिटल में लिखें, क्लियर है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि यह जो स्ट्रिंग है क्लास है, आज के बाद कहीं भी अगर आपको कोई भी चीज जिसका कि पहला लेटर पहला अक्षर अगर कैपिटल से है तो आप उसको सिवाय क्लास का और कुछ नहीं मान सकते हैं। इसका मतलब वो स्ट्रिंग भी एक क्लास है और सिस्टम भी एक क्लास है। यह एक मैसेज था, मैसेज में कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे मन करे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम लोग इसको सेव करें। सेव आप अपने किसी भी लोकेशन पे आप कर सकते हैं, जैसा कि हम चाहते हैं कि इसको हम जावा के ट्यूटोरियल्स फोल्डर में करें। लेकिन यहाँ भी एक चीज का ध्यान रखना है कि यह TXT में ना कहीं सेव हो जाए, इसीलिए जनरली हम यहाँ ऑल फाइल्स कर देते हैं। इस फाइल का नाम वही होना चाहिए जो नाम मेन क्लास का है। मेन क्लास का मतलब होता है कि वह क्लास जिसके अंदर मेन मेथड है, यह जो मेन मेथड है यह क्लास जिस क्लास के अंदर होगा उसी क्लास को हम लोग मेन क्लास बोलेंगे, क्लियर है। इसका मतलब हुआ कि आगे चल के जब हम लोग जावा और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर 25, 50, 200 क्लास भी हो जाए, लेकिन ऐसा क्लास कोई एक ही होगा जिसके अंदर मेन मेथड होगा और हमारे फाइल का नाम उसी नाम के हिसाब से होना चाहिए। अभी हम सिर्फ बोल रहे हैं कि होना चाहिए, अभी आगे चल के हम दिखाएंगे कि नहीं देने पे क्या क्या समस्या हो सकता है। जब यह फाइल हो जाए तो फिर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ना हमने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया,
जावा का जो कंपाइलर है बेसिकली इसका नाम भी जावा सी दिया हुआ है। तो हम लोग पहले अपने फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको बनाया था सी के, सुनील के, जावा, और जावा के अंदर हमारा फोल्डर क्या था, ट्यूटोरियल्स था। तो सबसे पहले हम लोग वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आ गया, अब हम जावा कंपाइलर का यूज करेंगे जिसका नाम है जावा सी, और जिस नाम से हमने इस फाइल को सेव किया है उस नाम को यहां लिख देंगे p1.java। अगर आपका p1.java के बाद कहीं कोई मैसेज नहीं आया और आपको प्रॉम्प्ट मिल गया, इसका मतलब हुआ कि इस प्रोग्राम के अंदर कहीं कोई एरर था ही नहीं। अगर कोई एरर होगा तो फिर यहां पे मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद फिर प्रॉम्प्ट आएगा। अब होता क्या है जावा में कि जैसे हमने इसको कंपाइल किया, एक दूसरा फाइल कंपाइलर बना के हमको देगा जिसको हम बोलते हैं डॉट क्लास फाइल। आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि वह फाइल यहां बना कि नहीं बना। तो फिर dir जैसे करेंगे, देखिए p1.java हम लोगों ने बनाया था, लेकिन p1.class कंपाइलर ने बना करके हमको दिया है। रन करते समय इसी फाइल का यूज करना है, माने डॉट क्लास फाइल ही यूज होगा। जावा में कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। एक बार जब यह सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तब हम लोग इसको इंटरप्रेटर के हेल्प से डॉट क्लास फाइल को रन करेंगे ताकि हमको आउटपुट मिल जाए। तो आइए देखते हैं, और जावा के इंटरप्रेटर का नाम भी जावा ही है, इसलिए हो गया जावा। और यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं देना है, याद रखना है। यहाँ सिर्फ हम लिखेंगे जावा p1 और एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया। देखिए कितना आसान है लिखना। नोटपैड खोलिए, फाइल को लिखिए, फाइल को सेव कीजिए डॉट जावा के नाम से। फाइल का नाम वही देना होगा जो नाम मेन क्लास का है। मेन क्लास का मतलब क्या हो गया कि वह क्लास जिसके अंदर मेन आपका मेथड है। इसके बाद हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए। कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने जावा के कंपाइलर का यूज किया। अगर यह सही सही अगर काम करेगा तो हमको यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल मिलेगा। यह जो डॉट क्लास फाइल है यह निश्चित रूप से कंपाइलर का बनाया हुआ है, हमारा बनाया हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के लिए जावा के इंटरप्रेटर का यूज करना है जिसका नाम भी जावा है, लेकिन यहाँ सिर्फ लिखना है जावा p1। फिर से यहाँ पे याद रखना है कि यह जो p1 है यह p1.java नहीं है, बल्कि यह p1.class है। देखिए यह बिल्कुल सही सही काम कर रहा है। देखिए कितना आसान है, एक प्रोग्राम हम लोगों ने रन कर भी लिया, ठीक है। अब पहले आज के क्लास में हम लोग यह देख लें कि अगर नाम अगर चेंज अगर कर देंगे, नाम अगर चेंज करेंगे उसका क्या असर पड़ेगा, रन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। आइए फिर एक काम करते हैं, इसी को यहां से कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं एक नए फाइल में। फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे, न्यू में जाकर के उसको पेस्ट कर देंगे। इसका नाम हमने कर दिया p, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर रहे हैं, स्टार्ट ऑफ जावा के जगह पे हमने यहां लिख दिया स्टार्ट ऑफ p2, ठीक है। लेकिन इसको हम सेव नहीं कर रहे हैं इस नाम से, हम इसको सेव कर रहे हैं किसी और नाम से, ठीक है, ताकि यह पता चले कि हमारा जो यह फाइल है आखिर उस समय क्या बिहेव करेगा। तो चलिए हमने इसका नाम दिया p22.java। देखिए मेन क्लास का नाम है p2, लेकिन हमने यहां दिया है p22। चलिए यहां पे अंडरस्कोर भी डाल दे, चाहे छोड़ दीजिए, चलिए सेव कर लिया इसको, ठीक है। मतलब कि मेन क्लास का नाम है क्लास p2 और हमने इसको सेव किया है क्लास p22 के नाम से, क्लियर है। तो आइए फिर देखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं, फिर से हम लोग इसको कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। हमारे फाइल का नाम क्या है, p1 नहीं है, p22 है, बिल्कुल सही सही काम कर गया। अब आइए जरा हम लोग रन करके देखते हैं इसको।
लेकिन रन करते समय इसने एरर प्रोड्यूस कर दिया। देखिए होता क्या है कि यह जो डॉट क्लास फाइल है या असल में बराबर ध्यान आपको रखना है, यह फाइल का नहीं बनता, यह क्लास का बनता है। इसीलिए अगर आप DIR अगर आप करेंगे यहां पे तो आप देख लीजिए क्लास का नाम क्या था, p22.java, लेकिन क्लास फाइल क्या बना, p2.class। अगर हम इसको रन अगर करेंगे, मान लीजिए कि क्लास जावा p2, तब यह काम कर जाएगा क्योंकि p2.class है हमारे पास। जैसे रन करेंगे देखिए आ गया स्टार्ट ऑफ p2, मतलब हुआ कि अगर हम फाइल को किसी और नाम से सेव कर भी देंगे फिर भी कंपाइलर डॉट क्लास फाइल सिर्फ उसी का बनाएगा जो नाम उसके क्लास का होगा। इससे एक और हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट हमको मिला कि अगर एक क्लास के अंदर, एक फाइल के अंदर अगर 50 क्लास होगा तो 50 क्लास का डॉट क्लास फाइल बनेगा, लेकिन रन सिर्फ वही होगा जिसके अंदर मेन मेथड होगा। क्लियर है, दोनों में अंतर हम लोग समझ गए। उसमें क्या था, पहले वाले फाइल में हम लोगों ने p1 के नाम से क्लास बनाया था, p1 के नाम से सेव भी किया, हमको डॉट क्लास फाइल भी मिला p1.class, लेकिन इस बार हमने क्लास का नाम बनाया p2, लेकिन हमने उसको सेव किया p22 के नाम से। इसके बाद क्या हुआ समस्या, कंपाइल तो कर गया लेकिन कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल किसका बना, तो p2 का बना, ना कि p22 का बना। इसका मतलब वह फाइल का डॉट क्लास फाइल नहीं बनता है, क्लास फाइल बनता है क्लास का। और अगर अगर फाइल के अंदर 50 क्लास होगा तो 50 क्लास का डॉट क्लास फाइल बनता है, लेकिन रन सिर्फ वही करेगा जो हमारे मेन को रखा हुआ होगा, क्योंकि मेन मेथड ही है जहां से कि एग्जीक्यूशन शुरू होता है। यह कॉन्सेप्ट पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं सी में भी और C++ में भी। क्लियर है, अब आ जाइए, मान लीजिए कि इसी को अब हम फिर से थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। चलिए इसको हमने फिर से सेव किया और एक नया फाइल फिर से हमने ओपन किया, ठीक है। अब देखिए, अब यहां क्लास p2 है, हमने कर दिया p3 और यहां पे स्टार्ट ऑफ कर दिया p3 ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और जब हम इसको सेव कर रहे हैं तो फिर हमने इसको कर दिया, मान लीजिए कि ऑल फाइल्स कर देते हैं क्योंकि ताकि हमको मिल जाए। अब हमने इसको कर दिया p33.java सेव कर। अब आइए देखते हैं इस बार क्या हुआ, एक मिनट सॉरी, इसके आगे असल में हम लोग पब्लिक इस बार लगा करके चेक करेंगे। पब्लिक हमने लगा दिया, ठीक है, सेव कर लेते हैं। इसके बाद आइए हम यहां पे हम लोग को करना क्या है, p22 के जगह पे p33.java देखते हैं क्या करता है। देखिए एरर आने लगा, इसका मतलब हुआ कि अगर मेन क्लास अगर हमारा पब्लिक के नाम से है, मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर अगर लगा हुआ, इसका क्या सेंस है, इसमें तो खैर हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन अगर वह पब्लिकली अगर डिक्लेयर्ड है तो आप तय जानिए कि उसका जो हिसाब किताब लगेगा साहब, उस समय यह मैंडेटरी हो जाएगा कि फाइल का नाम भी p3.java ही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यह प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो पाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्लियर, यहाँ मैसेज दे रहा है कि क्लास p3 पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड p3.java। इस सब झंझट से बचने का एकमात्र उपाय क्या है, एकमात्र उपाय यही है कि जो क्लास मेन मेथड को रखे हम लोग उसी नाम से फाइल को सेव कर दें, नहीं तो तरह तरह का कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग आज के क्लास के बारे में एक दो बात सिर्फ समझ लें कि जावा के फाइल को लिखने के लिए हमने नोटपैड यूज किया, जबकि मार्केट में थर्ड पार्टी भी एडिटर बहुत सारा है, कोई भी खराब नहीं होता, हम लोग किसी पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसका जो ट्रेडिशनल तरीका है वह यही है कि हम लोग नोटपैड खोलें, फाइल को लिखें, लिखने के बाद हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं,
यहाँ पे जावा कंपाइलर जावा सी को यूज करें, कंपाइलेशन सही अगर हो जाएगा तो फिर डॉट क्लास फाइल मिलेगा हमको, इसके बाद तब हम जावा इंटरप्रेटर का यूज करें, यूज करने के बाद आउटपुट आ जाएगा। फाइल का नाम वही होना चाहिए जो नाम मेन क्लास का है, मेन क्लास का मतलब वह क्लास जिसके अंदर मेन मेथड है, ठीक है, नहीं तो फिर तरह तरह का कॉम्प्लेक्सिटी आएगा जो कि हम लोगों ने यहाँ देखा भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर कुछ और चीजों पे डिस्कशन करेंगे ताकि धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, यह हमारा ट्यूटोरियल 1 है, कल हम लोग ट्यूटोरियल 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहिएगा निश्चित रूप से जावा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, और यह आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द क्लास एंड अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू।